इंडोनेशिया के फ्यूल स्टोरेज स्टेशन में आग लगी, दो बच्चों समेत 17 लोगों की मौत, 50 लोग झुलसे। पश्चिम रेलवे ने होली का रंग किया फीका, 3 दिन निरस्त रहेगी गुजरात से आने वाली 44 ट्रेनें, 60,000 से ज्यादा यात्रियों के टिकट रद्द। कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान, 13 शहरों में इमरजेंसी, 70,000 घरों में बिजली गुल, अगले 48 घंटों में 24 इंच तक बर्फबारी की चेतावनी। सेना ने चीनी सीमा पर गश्त बढ़ाई, गलवान में घोड़े के साथ पेट्रोलिंग कर रहे जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति को कैंसर था, सर्जरी हुई, बाइडेन के चेस्ट से स्किन कैंसर के टिश्यू निकाले गए, डॉक्टर बोले अब प्रेसिडेंट बिल्कुल फिट है। सीजीआई बोले सच्चाई झूठी खबरों का शिकार हो गई, फेक न्यूज पर चिंता जताई, कहा सोशल मीडिया के दौर में सब्र और सहिष्णुता नहीं बची। पाक विदेश मंत्री बोले हम कंगाल नहीं है ना होंगे, एक दिन पहले चीन से 4,000 करोड़ का कर्ज लिया, आईएमएफ से भी मांगा लोन। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कहा हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में भारत की ग्रोथ को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव हूं। दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यूटर्न, केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो में घूमे अमेरिकी विदेश मंत्री, माइलेज की तारीफ की, मसाला चाय पीकर खत्म की। विराट अनुष्का ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती की, कोहली रुद्राक्ष की माला और धोती शॉल पहने नजर आए, अनुष्का साड़ी में नजर आई। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला, 4 सदस्यीय जांच की टीम बुलाई गई, टीम ने की जांच की शुरू। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, यूएचएनआरसी में पाक को भारत का करारा जवाब, कहा मानवाधिकारों पर आपकी बातें मजाक। त्रिपुरा में पहली महिला सीएम बन सकती है प्रतिमा भौमिक, मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद, धनपुर सीट से 3500 वोट से जीती थी चुनाव। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर की दीवारों पर मोदी विरोधी नारे, ब्रिस्बेन के लक्ष्मी नारायण मंदिर की घटना, पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूट पर हमला हुआ था।